फ्रेंड्स, जीमेल अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट आज मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिसके वजह से बहुत ही आसानी से आप विदाउट एनी मोबाइल नंबर की हेल्प लिए अपना जीमेल अकाउंट्स का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना, पासवर्ड चेंज करने का ओटीपी भेजा जाता है, उसको आपको टाइप करना पड़ता है, तभी पासवर्ड जो है चेंज करने का ऑप्शन आता है। बट यहाँ पे ओटीपी भी नहीं भेजा जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड आप सबसे आसान तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मोबाइल नंबर की हेल्प दी है। फ्रेंड्स, अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग ऑप्शन पे चले जाए। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आप अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट करके एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करने दिया जाएगा आप कौन सा अकाउंट जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी अपना अकाउंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ए वाला अकाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका पासवर्ड मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे स्लाइड कीजिए, यहाँ पे एक सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप एक बार क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, बट आपको जो पासवर्ड पता नहीं है, मुझे भी नहीं है, इसलिए मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये पेज जो है खुल के आपका आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली ट्राई अनदर वे पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉपअप आ चुका है। यहाँ पे आप सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे लोडिंग होने के बाद कुछ चेंज पासवर्ड करके एक पेज दिखा जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एंटर कर दिया। फिर कुछ बातें आप याद रखिएगा, जैसे कि आपका पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। उससे कम होगा तो आपका पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे और एक पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड देने के लिए कहेगा। बट आपको यहाँ पे पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं। आप सिंपली इसके लिए सेटिंग ऑप्शन ओपन कर लीजिए। सेटिंग ऑप्शन ओपन करने के बाद आप सिंपली नीचे जाइए। जैसे ही आपने गूगल खोला तो गूगल खोल लीजिए। उसके बाद आपका जो अकाउंट था वही आपको खोलना होगा, जैसे कि मैंने खोला था पहले। यहाँ पे गूगल अकाउंट पे आप क्लिक कीजिए। गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पे जाइए। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पासवर्ड लास्ट चेंज 9:59 में, जैसे कि आप देखा था, आपने शायद देखा होगा। अब अगर नहीं देखे तो आप बैक करके देख लीजिए। मेरा उस टाइम घड़ी में 9:59 में ऐसा कुछ हो रहा था, वहां पे टाइम देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज पासवर्ड 9:59 में हो आता है। ऐसे करके आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं। अगर आपको ये सब स्टेप्स कंप्लीट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके वो प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं 100% उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नॉलेजेबल टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।